काल के शुरू होते ही एक तरफ जहां पर लोगों के काम धंधे ठप हो गए, उनकी आय बंद हो गई, वहीं पर दूसरी तरफ डीजल पेट्रोल से लेकर सब्जी इत्यादि में इतनी जबरदस्त महंगाई छा गई। इसके चलते आम लोगों का खाना भी दुर्भर हो गया है। अब तो स्थिति यह आ गई है कि आम आदमी सब्जी खाने के बजाय उनको देखकर ही अपना पेट भरने लगा है। देश और प्रदेश की इसी स्थिति को देखते हुए समाजवादी पार्टी अमेठी इकाई की जिला महिला महासचिव गुंजन सिंह दर्जनों पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर आलू प्याज टमाटर लहसुन इत्यादि सब्जियों को लेकर तथा उसकी माला पहनकर अमेठी कस्बे में घूम घूम पर प्रदर्शन कर रही हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला और कहा कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। साथ ही सड़क कार्यकर्ताओं ने सूबे तथा देश की सरकार योगी मोदी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। सपा महिला नेत्री गुंजन सिंह ने कहा कि सरकार के द्वारा यदि इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तो भविष्य में हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। विकास विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। युवा विरोधी है सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। देखिए रोडीली जो रोडीली सब्जियों में बेताशा वृद्धि होती जा रही है, इससे आदमी लोगों की थैली और थाली पे दोनों जो है बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। पहले लोगों को तो जो है प्याज काटने से आंसू आते थे, आज लोगों को प्याज जो है खरीदने से आंसू आ रहे हैं। और अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो हम लोग इसका बहुत उग्र आंदोलन करेंगे। किस प्रकार की मांगे हैं? हमारी मांगे यही है कि जैसे कि टमाटर के रेट इतने ज़्यादा हाई हैं और प्याज जो है आप देख लीजिए 60 रुपये किलो है और आलू जो है यहाँ पे 45 रुपये किलो है, तो इसको जल्द से जल्द घटाया जाए जैसे गरीब आदमी को सहूलियत मिले। अगर हमें मांगे नहीं पूरी होती तो ये धरना प्रदर्शन बहुत उग्र उस पर होगा। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट।